मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए चार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी अपने संगठन में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर प्रदेश महासचिव और प्रदेश कार्यालय प्रभारी भगवान दास सबनानी के द्वारा जारी लेटर में कहा गया कि ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की जाती हैं। ऐसे ही बुरहानपुर में मनोज माने, जो पूर्व में भाजपा के जिला महामंत्री पद पर थे, उन्हें अब जिला अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी कराई गई है। वहीं भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता मनोज को जिला अध्यक्ष के पद पर पदभार ग्रहण कराया गया है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और प्रदेश भाजपा प्रवक्ता विधायक अर्चना चिटनिस ने तिलक लगाकर नवागत अध्यक्ष की ताजपोशी कराई। वहीं इस मौके पर नवागत जिला अध्यक्ष मनोज माने ने कहा कि भाजपा को हर तरीके से जीत दिलाना ही मेरा लक्ष्य होगा। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है और बूथ स्तर तक की जो संरचना है, उस संरचना को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी को ताकतवर बनाना है और पूरे बुरहानपुर जिले में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रभारी के और वहां पर प्रत्येक बूथ मजबूत बने और भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में इस बूथ संरचना के आधार पर किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत लेकर चले, जीते, ये मेरा लक्ष्य है।